पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गोलीकांड करने वाले आरोपी को जावर थाना पुलिस और आशापुर चौकी पुलिस के संयुक्त प्रयास से मात्र 12 घंटे में धर दबोचा है। वहीं घटना में प्रयुक्त किए गए देसी कट्टे सहित घटना की जानकारी प्राप्त कर अभियुक्त से पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा आज खंडवा के पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। विगत दिनांक 10 अक्टूबर को खंडवा हरसूद मार्ग पर सरेराहा खंडवा जिले के ग्राम राई खुटवाल निवासी 50 वर्षीय ठाकुर पिता बाबूलाल कोरकू को अपना काम निपटाने के बाद वापस अपने दामाद के साथ घर लौटते समय एक अज्ञात हमलावर द्वारा धर्मपुरी फाटे के पास देशी कट्टे से उसकी पीठ में गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसे एक स्वाट एम्बुलेंस की मदद से खंडवा जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार देकर इंदौर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। वहीं खंडवा के जिला अस्पताल में घायल हुए व्यक्ति ठाकुर द्वारा अपने बयान में पुलिस को बताया था कि उसकी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आखिर बाइक पर आकर मुझ पर बंदूक से क्यों हमला किया। यह सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए जावर थाना पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 232-20 भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं इस मामले में खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को यह सूचना मिलते ही उनके द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा एसडीओपी केपी डेविड एवं एसडीओपी हरसूद रविंद्र वास्कले को टीम गठित कर गोलीकांड करने वाले अज्ञात व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जावर पुलिस द्वारा सघनता से वाहनों एवं सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करते हुए संदिग्ध आरोपी दर्शन पिता उदय सिंह तक पहुंची। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गोलीकांड में घायल हुए व्यक्ति की पत्नी के साथ उसके अवैध प्रेम संबंध सहित रुपए लेन देन का विवाद था, जिसे अपने रास्ते से हटाने के लिए स्वयं ठाकुर की पत्नी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की योजना बनाई थी। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों द्वारा बताया कि घटना में उपयोग किया गया देसी कट्टा 14,000 रुपए देकर एक गोली के साथ आरोपी ने पड़ोसी जिले खरगोन के बिकन गांव से एक महापूर्व ही खरीदा था। अपने दामाद के साथ खंडवा जिले के सुरगांव बंजारी से वापस लौटते समय पहले से ही गात लगा कर बैठे फायर पर फायर होने वाले आरोपी दर्शन को पकड़ने में एफएसएल की टीम जावर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक केडी तिवारी, प्रधान आरक्षक नंद कुमार वासुरे, आरक्षक दिनेश रावत, ब्रजेश विकास एवं आशापुर पुलिस चौकी अधिकारी कर्मचारियों 12 घंटे गोलीकांड की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका रही। अभी इसके ऊपर है ना किसी एक अज्ञात मुंह का कपड़ा बांधा हुआ लड़का था जिसने इसके ऊपर है ना प्रहार किया और इसको मारने का प्रयास किया। तत्काल है ना पुलिस द्वारा इसको है ना हॉस्पिटल किया गया था। अभी स्थिर है उसकी स्थिति। उसके बाद है ना पुलिस तत्काल एक्टिव हुई, थोड़ा सा है ना इनके गाँव में पूछताछ की, तब थोड़ा सा मालूम पड़ा कि ये जब सुरगांव से आ रहा था तब इसके ऊपर प्रयास किया गया। मतलब ये कि आरोपी कोई जाना पहचाना था जिसे मालूम था कि ये ना सुरगांव से अभी आ रहा है। जब पुलिस ने पूछताछ की, हमारे दोनों एसडीओपीज है ना काफ़ी एक्टिव हुए, उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए, तब मालूम पड़ा कि उन्हीं का है ना खेत पड़ोसी है दर्शन करके उसके और अपने घायल ठाकुर की पत्नी के अवैध संबंध थे और इन्होंने लोगों ने प्लानिंग के तहत ये तय किया था कि इसको रास्ते से हटाना है। इसीलिए ना दर्शन ने 1.5 महीने पहले पिस्तौल खरीदी गन्ना और तब से ये लोग मौका देख रहे थे कि हमको मौका मिले और हम इसको रास्ते से हटाएं। और इसी के तहत जब ये कल सुरगांव गया तो उसकी पत्नी ने और दोनों ने प्लानिंग करके इस काम को अंजाम दिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।